हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। और उसके लिए मैंने 250 ग्राम पालक धो के रखा हुआ है। अब मैं उसे बॉईल करूँगा 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ के साथ 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बॉईल होने के बाद सबसे पहले मैं उसे ठंडे पानी में निकालूँगा और ठंडे पानी के बाद मैं डायरेक्टली उसे ग्राइंडर में डाल दूँगा और मैं उसको ग्राइंड करूँगा अच्छी तरीके। ग्राइंड करने के बाद पालक की इस टाइप की कंसिस्टेंसी आएगी। हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और साथ में मैंने लिया है 1 टमाटर की प्योरे, 1 चॉप्ड अनियन। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने लिया 4 से 5 लहसुन लौंग, 1 इंच अदरक, 1 ग्रीन चिल्ली और 1 छोटा प्याज। और ये मैंने पनीर लिया है फ्रेश। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा था और उसमें मैंने लिया 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं उसमें गरम मसाले ऐड करूँगा, 5 से 7 काली मिर्च, 1 चक्रफूल, ये ऑप्शनल है, और 2 लौंग, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। इनको मैं अच्छी तरीके से रोस्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा जीरा, और जीरा को मैं होने दूंगा थोड़ा गोल्डन ब्राउन। अब इनको कुक करेंगे, इनका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे हमको गोल्डन ब्राउन कलर मिलेगा, हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने चॉप्ड अनियंस। और चॉप्ड अनियंस को भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक उनका कलर हल्का सा चेंज ना होने लगता है। जैसे कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, मैं उसमें ऐड करूँगा अपना जो ग्रीन चिली और लहसुन वाला पेस्ट था वो, और अब उसको मैं कुक होने दूंगा अच्छी तरीके से। उसमें से जो कच्चापन है वो जब तक नहीं निकल जाता तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट चलाया और अब हमको वो वाला कलर चेंज होता हुआ दिखा और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड कर दूँगा यहीं पे। हल्दी को मैं पकने दूंगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं जो हमारी टमाटर की प्योरी थी वो उसमें ऐड करूँगा। थोड़ी देर, कम से कम 1 से 2 मिनट हम हल्दी को पकाएंगे और फिर उसके अंदर हम हमारी टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। हल्दी पक चुकी है, अब इसमें हम हमारी जो टमाटर की प्योरी थी वो ऐड करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे मीडियम फ्लेम। ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे सब्जी का कलर चेंज हो जाएगा, सो हम थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे इसमें। और अब मैं इस मसाले को पका लूँगा कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। ये हमारा मसाला पक चुका है, इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे अपना पिसा हुआ पालक, और पालक को अब थोड़ी देर हम पकने देंगे। जैसे ही हल्का पालक अपना कच्चापन छोड़ेगा, पहले से वो बॉईल था बट हमने उसको कुक भी कर लिया, तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने पनीर इस सब्जी के अंदर।
और इसको 1 मिनट और चलाएंगे पनीर ऐड करने के बाद। पालक पनीर बनके रेडी हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ और अब इसको सर्व करेंगे हम।